they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है, वो 2014 में मिली है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहले क्लिप में हम देखेंगे क्या होता है जब कोई गोदी मीडिया की सैलरीज देने वाले भारत के बिजनेस टाइकून अडानी और अंबानी की बात करता है, तो कैसे गोदी एंकर तिलमिला उठते हैं कि कोई उनके एटीएम मशीन को गलत न बोल दे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 22 या 23 सितंबर की बात है कि अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है आरएन। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे सबके चहेते गुल्लू अमीश का ज्ञान कितने उच्च स्तर का है, जो वो मोहनदास करमचंद गांधी का नाम तक पूरा नहीं सही से ले सकते। विश्लेषण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होता है जब गोदी एंकर्स को उनकी सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, तो कैसे उनके जमीर जागने लग जाते हैं। इस क्लिप में रूह बीका लियाकत जी कुछ सवाल पूछती हुई नजर आएंगी आदित्यनाथ योगी से। उत्तर प्रदेश के क्राइम के हालात को लेकर बात करने वाले हैं। मुझे तो वो 2017 का योगी आदित्यनाथ का बयान याद आता है, क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था और यकीन दिलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए ऐसा है कि अब यहाँ गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा, अब राम राज्य की बारी आ गई है। साफ तौर पर इस बात का एहसास हो रहा है कि वहाँ हालात वाकई खराब है, गुंडों को पुलिस का खौफ है ही नहीं। जिन अपराधियों में आप खौफ नहीं ला पाए, वो राज्य कैसे राम राज्य कहलाए। और खासकर महिलाओं से और उनके खिलाफ हो रहे अपराध में यूपी नंबर 1 पर बना हुआ है। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। 2016 से लेकर 2019 तक अगर आप महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात करें, 20% का इजाफा आया है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 42 महिलाओं का अपहरण हो जाता है। आप तो बहुत स्ट्रांग है ना, आप तो ये मानते हैं और ये कहते आए हैं कि मैं वही करता हूं जो इस राज्य के लिए बेहतर है, तो फिर क्यों नहीं इस पूरे के पूरे सांड गार्ड को, ये खाकी वर्दी और ये खादी, इन सबके जो साठगांठ है, इन अपराधियों के साथ, इन गैंगस्टर्स के साथ, इन छुटभैये गुंडों के साथ, आप इसे तोड़ क्यों नहीं सकते हैं? या तो कह दीजिए कि ये नहीं हो सकता है, फिर बड़े बड़े दावे और वादे नहीं होने चाहिए कि या तो वो जेल में होंगे या फिर यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं बताती है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। अगर ईमानदारी से पुलिस ने अपना काम किया होता तो आज यहाँ खड़े होकर मुझे इस पूरे के पूरे मसले पर एक लाइव नहीं करना पड़ा होता। महिलाओं के प्रति इज्जत और पुलिस के प्रति और या फिर पुलिस की तरफ से खौफ, ये भाषण से नहीं आ सकता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग शासन की जरूरत है। अगर आप करवा करें तो योगी जी खराब, राहुल बाबा को बोलिए चुप करके रखने को, ये जितने भी गुंडे हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्यों भाई, राहुल गांधी के चुप होने से गुंडे कैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे समझ में नहीं आया। ऑपोजिशन का काम क्या होता है, विपक्ष का काम क्या होता है? अगर सरकार उस ट्रैक से हट रही है, उसको सवाल करना। और अगर राहुल, मैं ये कह रही हूँ कि आज राहुल गांधी ने कहा है, वादा था राम राज का, आ गया गुंडा राज। आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई राजनेता हैं तो राजनीति करेंगे। मैं कह रही हूँ इस वक्त पर अगर राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल में गलत क्या है? क्या लड़कियों के बलात्कार नहीं हो रहे हैं? और इसीलिए हर बार ये कह देना कि ये नेता राजनीति कर रहे हैं, अगर इफ इट इज फॉर गुड देन पॉलिटिक्स मस्ट, ये मुझे लगता है। अगले क्लिप में हमारे पीएम मोदी जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जूता उतारना उचित नहीं समझते, ये क्लिप सभी भक्तों को जरूर देखना चाहिए। ये संकरत्व का जागरण, यहाँ संस्कृत और वेदों के बड़े बड़े पंडित यहाँ भी बैठे हैं और वर्चुअली भी हमारे साथ जुड़े हैं।
अब तो गालिब ये आलम है कि ख्वाबों और ख्यालों में भी उसका नाम है। ऐसे ही देखें अगले क्लिप में, जब गोदी एंकर के दिमाग में सिर्फ बीजेपी और बीजेपी ही भरा है। सेमीफाइनल में पहुंचेगी लेकिन वो उम्मीद अब टूट गई है। तो बड़ी खबर, T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की हार के साथ बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका। अगला क्लिप बहुत मजेदार है। आमतौर पर हम इंग्लिश गोदी मीडिया कम ही दिखाते हैं, पर इस क्लिप में आप देखेंगे एक तरफ है निष्पक्ष पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो बिना पक्षपात के न्यूज दिखाते थे, और दूसरी ओर है कम्युनल अर्नब जो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। टू पीपल गेट सो एक्टिव टू बैन फायरवर्क्स जस्ट 2 weeks बिफोर एवरी दिवाली। व्हाई टारगेट ओनली दिवाली? इज वन रिलीजन बीइंग टारगेटेड? नो नो, वन सेकंड, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। You are now saying that, you know, if you stop us from bursting crackers and polluting the whole town as much as we like, we are going to say you're anti-Hindu. I began the program tonight by saying, is there a targeting of Hindu festivals? I am a Hindu. I will celebrate Diwali with diyas. You will celebrate Diwali with Chinese firecrackers. Tell me one religious scripture which says that Diwali needs crackers. Ye chini pratha air pollution spread karne ke liye hame Hindu nahi banati. Aapko to lagta hai na ki aap log hi Hindu hain. हम सब अधर्मी हैं, हम भी हिंदू हैं। ये भी कहूंगा कि मेरा धर्म इतना छोटा नहीं है कि हाथ में फुलझड़ी लेके मुझे घूमना पड़ेगा रास्ते में बोलकर कि मैं हिंदू हूं, मैं फुलझड़ी चलाता हूं। और मैं कह रहा हूं इस समय एयर पोल्यूशन इज बैड। आई हैवंट गॉट अ क्लियर आंसर हियर। व्हाई क्रैकर बैन ड्यूरिंग वन फेस्टिवल? प्लीज कैन आई जस्ट गेट दैट, व्हाई इज देयर अ क्रैकर बैन ड्यूरिंग वन फेस्टिवल? डज अ क्रैकर हैव दिवाली रिटन ऑन इट? ड्यूरिंग द दिवाली वीकेंड ऑफ 2016 इंडियाज एयर क्वालिटी वॉज अमंग द वर्ल्ड्स वर्स्ट। Supreme Court has said air quality deteriorates abysmally and alarmingly and the city chokes thereby. Can you imagine a city where you can't breathe? Has anyone done a survey today which proves that Hindus want their children to have lung diseases? Have you done a survey which proves that Hindus want their children and themselves to have respiratory disorders? Why only Hindu festivals? Just think about it, right? I don't understand. Yes. You are failing to understand the logic. It's like beating your head against a wall here. Ekdam inhone waqt badal diya, jazbaat badal diye, zindagi badal di. I don't care where the majority is tonight, and I can tell you the majority of people are against me today. 63% of people are saying that curbing air pollution is anti-Hindu. Well, I am happy to disagree with the majority of views on this subject tonight. No problems. Will not change my view on it. Hypocrisy ki bhi seema hoti hai. अगला क्लिप हमारे देश की सो कॉल्ड पद्मश्री अवार्ड वाली कंगना रनौत कितनी बेशर्मी से लाइव टीवी पर हमारे देश के शहीदों का अपमान करती हैं और मरी हुई जमीर वाले लोग खुलकर तालियां बजाते हैं। शर्म आनी चाहिए खुद को भारत का नागरिक कहते हुए। ब्लड विल फ्लो बट इट शुड नॉट बी हिंदुस्तानी ब्लड। दे न्यू इट एंड दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। अभी इसी कंगना के क्लिप पर जो खान सर ने उसकी बेइज्जती की है और सच बताया है, ये उन लोगों को देखना चाहिए जो खुद को कंगना जैसे व्यक्ति का फैन बताते हैं। कहने के लिए भारत लोकतंत्र है। देखो भैया, ध्यान से हमारा पीछे मत पड़ जाए सब नेतवा सब। भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत, 2014 के बाद में। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जो परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोलिए। अरे यार, हम ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मन से बोल देंगे, क्योंकि हमारी हर बात क्या है, रिकॉर्ड हो रही है, हमको भी पता है। तो खुद बोलिए, 12वीं फेल है।
अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो हम सब लोग को पता है मोदी जी किसी एक का तो प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, हम लोग देखिए आपको जो योजना है वो अच्छा काम करते हैं, हम एकदम खखोर खखोर के बताते हैं कि देखो ये इतना बेहतरीन काम किए। अभी S-400 मिसाइल आ रहा है, अभी हम उसका वीडियो बनाने वाले, आप उसको देखिएगा पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन जहां गलत रहते हैं वहां हम स्लाइटली बोलते हैं कि आराम से बोलते हैं, पीन करके नहीं बोलते कि आपने गलत किया, क्योंकि हम भी होंगे, अगर आप भी होंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठेंगे आपसे भी गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े होता है कि यार चमचागिरी की भी एक लिमिट होती है। कुछ दिन में जो कुछ कर देगी, आगे देखते हैं। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.